डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ के कंकड़खेड़ा में दो पक्षों के बीच सोमवार की रात जमकर मारपीट, तोड़फोड़ व हवाई फायरिंग हुई। बाइक सवार हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक आदि भी तोड़ डाली। इस दौरान उधर से पत्नी व बच्चे संग गुजर रहे अधिवक्ता अजय गोयल गोली लगने से घायल हो गए। गोली उनके पीठ में लगी है। अजय गोयल के नीचे गिरते ही वहां भगदड़ मच गई। अजय को न्यूटिमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। विवाद किसके बीच था और क्यों था, पुलिस इसकी जांच करने के साथ ही आसपास लगे CCTV खंगाल रही है। इस वारदात में दरोगा के एक बेटे का नाम भी आया है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अधिवक्ता अजय गोयल ओम नगर में रहते हैं। इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी महिला ने यह जानकारी दी। आज हम अंदर बैठे थे, हमें कुछ पता नहीं, बाहर क्या हो रहा, गेट थोड़ा सा बंद था और कम से कम 10 जने आए बाइक पर, तो बाहर तोड़ फोड़ करी, गोली चलाई, हवा गई उसके अंदर भी, हम इन्हें नहीं जानते कौन थे। हमारे लड़के के खिलाफ कंप्लेंट भी कर रखी है उन्होंने, कोई लड़ाई होगी कल या परसों तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है। आपके लड़के का नाम क्या है? मैं पुलिस आई थी यहाँ पे। किस बात को लेके कंप्लेंट हुई थी? यही लड़ाई झगड़े के ऊपर। अच्छा। आज यहाँ पे स्कूटी थोड़ी है दो और डंडे बंडे पर फैले गए हैं, पड़े हाथ पर। उसमें से कुछ व्यक्ति को जानते हो आप? नहीं जी, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन किसी से पता लगा के अभी बता देती हूँ। हमने बताया अभी तक। आपने कंप्लेंट वगैरह की? हाँ जी, की है मैंने। 100 नंबर पर फोन किया था, आई थी पुलिस। बाहर की साइड में दुकानें भी हैं, उसके बाहर बाइक वगैरह तोड़ी गई? हाँ जी, यही गेट के सामने। गेट के सामने कितने बजे की घटना है? एक बंदा भी सारा स्कूटी पे जा रहा था तो उसको गोली लग गई, वो एडमिट। उसको जानते हो आप लोग? नहीं जी, हम नहीं जानते, वो रास्ता चलने वाला है। सुनने वाली बात है। क्या था वो, मतलब उनके साथ कोई था व्यक्ति इसके साथ जिसके गोली लगी है? बच्चे कितने बड़े थे? बच्चे मैंने नहीं देखे, मैं तो अंदर थी उस टाइम पे। कितने बड़े बच्चे थे? बच्चे आ गए 8-10 का। जो लड़के आए थे उनमें से किसी व्यक्ति को जानते हो, किसी के नाम पता हो आपको? अभी तो पता नहीं है, लेकिन पूछ के बता रहे हैं। न्यूटिमा हॉस्पिटल में उपचाराधीन अजय गोयल ने यह बताया। भैया, मैं अपनी बाइक को दवाई दिलवाने जा रहा था सतीश चौक पर, SS SSS वो है शॉपिंग वाला, उसके बाद जब हम पहुँचे 15-20 लड़के बाइकों पर थे और तमंचे थे सबके हाथ में। कैसे करना? तमंचे थे सबके हाथ में। चलो चलो, मैं एक मिनट रुक जाओ, चलो इसे उठाओ ना, इसे उठा के। पहले फायर कर रहे थे, हम रुक गए, कई गोली हमारे लग गया, वहीं मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव सचिन चौधरी ने यह जानकारी दी। मैं सचिन चौधरी, पूर्व महासचिव मेरठ बार एसोसिएशन। ये आज ये घटनाक्रम हुआ है, कहाँ का है और क्या हुआ है? ये कंकड़खेड़ा का घटनाक्रम है जी। हमारे वकील साहब कचहरी से जाने के बाद अपने घर से वाइफ और बच्चों सहित दवाई लेने और दूध लेने जा रहे थे। रास्ते में मॉडल टाउन के ठीक सामने कहीं बच्चों का झगड़ा हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, ये बचने के लिए भागे तो एक गोली इनके पीठ पे लगी। कौन थे मारने वाले? कुछ उसका जो अभी तक ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता है, वो खुद उन्हें पता है, लेकिन यह है कि वहाँ फायरिंग पहले से ही चल रही थी, अचानक ना ये पीछे हट पाए ना आगे। क्या नाम है इनका जिन्हें गोली लगी है? अजय गोयल। अजय गोयल ये भी वकील हैं? ये पदाधिकारी रहे हैं, निवर्तमान पदाधिकारी हैं, मेरठ बार है। ठीक ठीक, वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ सब आ जाएगा, गोली मारने वाला भी और सब, सबको पता है, वो खुद बता रहे हैं। तो इस घटनाक्रम की पूरी प्रक्रिया इसको पुलिस को तहरीर दे दी गई है अभी? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया गया अभी तो, लाके हमने अस्पताल से यहाँ लेके आए, कैलाची से रेफर कर दिया गया ड्यूटी मार्ग। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल से हड़ताल। देखिए, करीब शाम 7:30 बजे के आसपास थाना कंकड़खेड़ा पुलिस को सूचना मिली कि अम्बेडकर रोड पर कुछ व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई है। एक फायरिंग में अजय कुमार गोयल जी हैं, इनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ से निकल रहे थे, इनके पीठ पे गोली लगी है। इनको उपचार हेतु
ये कैलाशी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उसके बाद से इनको न्यूट्रीमा में रेफर कर दिया गया। अभी इनकी कंडीशन सही बताई जा रही है और डेंजर है। बाकी इसमें हम इसमें हमने सीसीटीवी को चेक करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। इसमें हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे इनको पकड़ा जाए तथा अग्रिम। इनसे पूछा गया है, इन्होंने बताया कि ये वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे अपने बच्चों बीवी और बच्चे के साथ। ये वहाँ से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो इनके द्वारा बताया गया कुछ पक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे, उनके द्वारा फायरिंग की गई है, फायरिंग में इनको गोली लगी। तो इसमें ऐसा तो नहीं किसी वकील को निशाना बना करके गोली चलाने वाली तो कोई बात अभी तक ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं है, लेकिन इसकी भी जांच की जाएगी। अगर ऐसा भी कुछ निकला तो अभी भी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।